हेलो फ्रेंड्स, ये आज मैंने फ्लिपकार्ट से ये रोस्टर क्ले मंगवाया था और आज मैं इसकी अनबॉक्सिंग करने वाली हूँ। और अब देखिए, मैंने 900 ग्राम का ये पैकेज मंगवाया था रोस्टेड क्ले का, जिससे बटर क्ले और मुकुंद ऐसे काफ़ी सारे नाम हैं। वेल, हर शहर में इसका अलग अलग नाम है और आप देख सकते हैं। और हम इस वीडियो में बहुत सारी बातें बताएंगे, इसके फ़ायदे भी बताएंगे और इसके नुकसान भी बताएंगे, जो किसी अदर वीडियो में आपको आज तक नहीं मिला है। अगर आपको क्ले के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलना। तो देखते रहिए वीडियो और मैं इसको खोलती हूँ। ये कुछ इस तरह आया हुआ है, आप देख सकते हैं इसको। ये हाफ हाफ के जी की आई थिंक 450 के दो पैकेज है। इसको खोल के मैं आपको दिखा, ऐसे ही कुछ आया हुआ है, आप देख सकते हैं। अभी मैंने एक ही ओपन किया है क्योंकि मुझे अभी एक ही ओपन करना है, क्योंकि हवा में ये थोड़ा सा नरम हो जाएगा, तो मैंने एक ही ओपन किया। आप देख सकते हैं इसको, इतने ही दो थे। वैसे क्वालिटी तो बहुत अच्छा लग रहा है देखने में और क्रंची भी है। और आप देख सकते हैं इसमें लिखा है, ये अलग अलग ब्रांड्स से बने हुए होते हैं शायद, अलग अलग क्वालिटी में काफ़ी फर्क होता है। वैसे आप देख सकते हैं कितना स्मोकी है और कितनी अच्छी तरह से रोस्ट किया हुआ है। फ्रेंड्स, मैं आपको इतना बताऊंगी कि आप क्ले को ज़्यादा ना खाएं, और अभी हेल्थ का काफ़ी इशू चल रहा है तो आप बेहतर होगा कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा अवॉइड ही कीजिए। आप खुद की रिक्स पर ही खाइए, मैं बस अनबॉक्सिंग दिखा रही हूँ, मैं किसी को सजेस्ट नहीं करती कि आप खाओ। अगर किसी को खाना है तो, अगर जिसको कैल्शियम का कमी है थोड़ा बहुत, वो खा सकता है। बट आप दिन में इतना ही खाओ, अगर आपको खाना है तो आप ये पूरा ना खाओ जैसे अदर वीडियो में दिखाते हैं। और हेल्थ में इसका असर ये होता है कि जिसको भी पाइल्स का प्रॉब्लम है उसको ये अवॉइड ही करना चाहिए, ठीक है। पाइल्स के प्रॉब्लम आपको पता होगी कि कितना अलग होता है, तो आप इस वीडियो में बताई हुई जानकारी लीजिए। और क्ले को या अदर स्लेट पेंसिल हो या जो भी हो, पर क्ले वाली चीज़ों को अवॉइड ही कीजिए, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं और आपको बहुत ही ज़्यादा तकलीफ सहन करनी पड़ती है। और जिसको स्टोन की प्रॉब्लम हो, स्टमक स्टोन का प्रॉब्लम हो, तो उसको भी ये चीज़ अवॉइड ही करनी चाहिए, वरना उनको वो प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ सकती है। और पाइल्स वालों को तो ये पूरा ही अवॉइड करना चाहिए, उनको भी ये प्रॉब्लम बहुत ही ज़्यादा बढ़ सकती है इस खाने से। मैं आपको इसका अच्छा रिव्यू बताने वाली नहीं हूँ, क्योंकि मुझे पता है इसका कितना नुकसान होता है खाने से। अगर आपको खाना पसंद है तो आप अपना खुद के रिक्स पर खाओ। और इसमें देख सकते हो आप अच्छी से पूरी, पर खाओ तो आप दो तीन ही खाओ, मैं आपको ज़्यादा खाने का सजेशन नहीं दूँगी, क्योंकि इसमें प्रॉब्लम है। तो मैं आपको असली और ओरिजिनली रिव्यू दूँगी। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। फ्रेंड्स, ये मेरा फर्स्ट वीडियो है। ये ज़्यादा करके तो गुजरात में ही बनता है, गुजरात में ये सड़कों पे बिकता है, किलो के भाव से बिकता है। और दूसरे शहरों में ये
ज़्यादा नज़र नहीं आता। इसमें आप देख सकते हैं थोड़ा सा चूरा भी आया है, डस्ट पाउडर है। पर ये काफ़ी मीन्स अच्छी मेहंदी कैप, टूट भी नहीं रहा है, काफ़ी क्रंची है। फ्रेंड्स हम ये खा तो लेते हैं पर हमें इसके बाद बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है, ज़्यादा करके स्टोन किडनी स्टोन का और पाइल्स वालों को ज़्यादा पाइल्स का प्रॉब्लम हो जाता है। और ये इवर लाइट का जिसमें दिखाते हैं गुडनेस और ऑफ नेचर लेकर, लेकिन ये हमारे हेल्थ को ज़्यादा इफेक्ट करता है। कैल्शियम की कमी वालों को ज़्यादा करके 2 या 3 टुकड़े पर डे ले सकते हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं कैल्शियम का जो टैबलेट आता है वो भी हमें एक दिन में तकरीबन इतना होता है, इतना सही होता है, ठीक है। और वो हम मंथली ऐसा ले सकते हैं, लेकिन पर डे हम इतना भी लें तो आप समझ सकते हैं कि इसका क्या असर होगा हमारे बॉडी में। एक छोटी सी टैबलेट का असर हमारे बॉडी में काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, तो हम इतना सारा क्ले खा लेंगे तो हमारे बॉडी में इसका क्या इफेक्ट होगा आप देख सकते हैं, ठीक है। हम खा तो लेंगे पर हमारी बॉडी इसको सर्वाइव नहीं कर सकती है, हमारे बॉडी खाने के लिए नहीं बना है, ठीक है। हम खा लेते हैं हमारा मन होता है, लेकिन खाओ थोड़ा सा खाओ, इतना सा खाओ, ठीक है, इतना सा ही खाओ क्योंकि हमारे बॉडी को इफेक्ट ना करे ऐसा, और हमारा बॉडी इसको सर्वाइव कर सकते, इतना ही खाओ। आपको अगर खाने का इच्छा है तो आप इतना खा सकते हो, थोड़ा थोड़ा खाओ, इतना इतना सा खाओ। मैं आपको दिखाती हूँ, थोड़ा सा हार्ड है, ठीक है, इतना इतना बाइट लो छोटा छोटा और खाओ, और दिन में एक इतना खा सकते हो क्योंकि हमारा बॉडी इसको सर्वाइव कर सकता है। और अगर आप ऐसा खाते हो तो पाइल्स वालों को भी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस नहीं करना होगा। आपको कोई डॉक्टर भी नहीं बताएगा कि इसका साइड इफेक्ट क्या है, जो मैं आपको इस वीडियो में बता सकती हूँ क्योंकि ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, ठीक है। मैंने गुजरात से क्ले लाया था, मैंने उसको खाया था और उसको मुझे काफ़ी ज़्यादा साइड इफेक्ट फेस करना पड़ा था। ये कोई खाने वाली चीज़ तो है नहीं जिसे हम खाते हैं, ठीक है। मैं जानती हूँ मैंने स्लेट पेंसिल भी खाई है, काफ़ी खाया हुआ है, और मैंने मुल्तानी मिट्टी भी खाया हुआ है, मुल्तानी मिट्टी का भी ज़्यादा साइड इफेक्ट है, ठंडा हमारे बॉडी को होता है वो ज़्यादा, जबकि हमारे बॉडी को हीट का ज़रूरत है, ना कि कोल्ड बॉडी चाहिए हमको, ठीक है। तो फ्रेंड्स आप देखिए इसको खाने से हमारे बॉडी में जो इफेक्ट होता है इसका इलाज हमें कहीं, जैसे ये कोरोना चल रहा है ये वैसे ही हमारे मन का ये वहम है, ठीक है, कि हमको ये खाने का होता है, इच्छा होता है। इतना आपको कोई भी रिव्यू में बताने वाला नहीं है क्योंकि उन लोगों को तो अच्छी अच्छी बातें बतानी ही होती है, उनको अच्छी अच्छी बातें उनके पैसे मिलते हैं, बट मुझे इस चीज़ का कोई शौक नहीं है। मैं ये डेली वीडियोज़ देखती हूँ और मुझे लगता है कि इस वीडियो में काफ़ी चीज़ें मिसिंग है, तो मैंने इस वीडियो में वो सारी बातें बताई हुई है। पाइल्स वालों को जो प्रॉब्लम होती है उनको मोशन काफ़ी हार्ड हो जाता है, जिसकी वजह से उनको ब्लीडिंग का प्रॉब्लम आने लगता है। मैं आपको ये बार बार रिपीट इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है फ्रेंड्स। इसका हमें जब होता है तब हम उसको फेस नहीं कर सकते, हम उसको उस तकलीफ को उस प्रॉब्लम को जो हमें पेन फील होता है उसका हमें ऐसा लगता है कि हम कहाँ जाए क्या करें, ठीक है, और हम किसी को बता भी नहीं सकते कि हमें आखिर ये हुआ क्यों। उनको हम थोड़ी ना बताएंगे कि हमने क्ले खा लिया और हमें ये प्रॉब्लम हो गई, ठीक है, हम उनको बता नहीं सकते, हमको खुद ही समझना होगा। तो फिर इसलिए मैं आपको डिटेल में यही बताऊंगी कि आप इतना खाएं, एक दिन में इतना खाएंगे तो आपको ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं फेस करना होगा और आप नॉर्मली इसको खा सकते हैं, क्योंकि हम डेली जो भी फूड खाते हैं उसमें थोड़ी मिट्टी मिलाई हुआ होता है, डस्ट मिला हुआ होता है, तो हमें वो ज़्यादा फेस नहीं करना पड़ता प्रॉब्लम उसका। तो वैसे ही हम डेली फूड खाते हैं तो इतना खा सकते हैं, अगर जिसको डेली खाने का शौक है, जिसको हैबिट है डेली खाने का, तो वो खा सकता है, ठीक है। बाकी तो ये चीज़ खाने वाली नहीं है, मुझे पसंद है, लेकिन मैं इस चीज़ को, मुझे पता है कि इस चीज़ के कितने साइड इफेक्ट है, इसका कोई बेनिफिट तो है नहीं, साइड इफेक्ट ज़्यादा है, ठीक है। इसको खाने से हमारे बॉडी में जो इफेक्ट होता है वो अगर आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको पूरा ही पता चल गया होगा। और मुझे आज इस बात का गुस्सा था क्योंकि आज फ्लिपकार्ट वाले ने काफ़ी लेट कर दिया, मेरा सारा डे इसमें गया वेट करने में, तो उन्होंने मैंने उनको रिक्वायर किया कि फास्ट डिलीवरी करवाओ, मैंने कॉल भी किया तो उन्होंने मुझसे एड्रेस मांगा कि हमको आपका एड्रेस ही नहीं मिला। मुझे थोड़ा सा शौक हुआ कि मैंने एड्रेस दिया हुआ तो किसे नहीं मिला, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट ऑर्डर तो नहीं है, मैं दूसरी भी चीज़ें ऑनलाइन से फ्लिपकार्ट से मंगवाती रहती हूँ, तो ये मेरे लिए कोई फर्स्ट टाइम नहीं था जो उन्होंने मेरे पास एड्रेस का पूछा और मुझे बार बार एड्रेस बताना पड़ा, बार बार कॉल करना पड़ा। तो मैंने उनसे ये कंप्लेंट कर दी कि
आप मेरा ऑर्डर जल्दी से जल्दी डिलीवर करवा दो। उन्होंने बोला ठीक है। और मैं सोच रही हूँ कि मैं इतना सारा कितना दिन तक खाऊंगी। और ये 900 ग्राम का है तकरीबन, मुझे आप देख सकते हैं एक पैकेट 450 ग्राम का है, और मुझे MRP आप देखो तो इसमें मुझे 225 का मुझे ये पूरा मिला है, 225 का ये मुझे 900 ग्राम मिला है। और ज़्यादा एक्सपेंसिव वाला भी था और लो क्वालिटी का भी था और लो प्राइस में भी था, पर मैंने ये मंगवाया क्योंकि मैंने इसकी रेटिंग देखी थी और मुझे अच्छा लगा, तो मैंने इसका रिव्यू बताया। और रिव्यू मुझे इसलिए करना पड़ा क्योंकि मैं ये वीडियो नहीं बनाती हूँ, पर मुझे इसलिए बनाना पड़ा क्योंकि मैंने क्ले के जब भी वीडियो देखी है उसमें पूरा इन्फॉर्मेशन था ही नहीं कि क्ले क्या है, इस चीज़ से बनती है, ये एक ऐसी क्ले है जो एक गुजरात में और दो तीन शहर में, सिटीज़ में और देशों में भी मिलती है, और वो वहाँ की नेचुरल है और उसको उठा के ये लोग रोस्ट करके सीधा सेल करते हैं। लोगों को खाने की हैबिट होती है तो उस चीज़ का वो फ़ायदा उठाते हैं कि उनको सेल करते हैं ये, जैसे ड्रिंक हम करते हैं, तो मैं तो नहीं करती हूँ लेकिन ड्रिंक करने वालों की जैसे ड्रिंक एक आदत हो जाती है, और वैसे ये भी एक चीज़ ऐसी है जिसकी आदत हो जाती है, पर ये हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। अभी फ़िलहाल हमें हेल्थ का बहुत ही ध्यान रखना जरूरी है। आप देख सकते हैं कोरोना में कितने लोगों ने अपनी जान गंवा दी है, तो आप इस चीज़ को थोड़ा सा अवॉइड कीजिए, ज़्यादा नहीं थोड़ा सा ही लीजिए। ऐसा वीडियो आपको कहीं और नहीं मिलेगा फ्रेंड्स। प्लीज़ ये मेरा फर्स्ट वीडियो, मुझे सपोर्ट कीजिए, मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और मेरा जल्दी से जल्दी मोनेटाइजेशन करवा दीजिए फ्रेंड्स। थैंक यू मेरा वीडियो देखने के लिए। और प्लीज़ हो सके तो आपको मंगवाना हो तो आप इसी कंपनी का मंगवाइए, ये जो भी ब्रांड है Everlite करके, इसी ब्रांड का मंगवाइए क्योंकि आप देख सकते हैं इसमें पूरा डिटेल में लिखा हुआ है, नो केमिकल, कीप इट इन सनलाइट बिफोर यूज, ओके, ऑर्गेनिक मैन्यूर, आप देख सकते इसमें लिखा हुआ है, तो आप मंगवा लीजिए, ये वाला मंगवाइए अगर आपको चाहिए तो। आप देख सकते इसमें पूरा डिटेल में लिखा हुआ है, इसमें लिखता है कि गुडनेस ऑफ नेचर, लेकिन ऐसी कुछ खासियत नहीं होती है। इसने मुझे 20 ग्राम एक्स्ट्रा मिला है, 20 आई थिंक 40 ग्राम एक्स्ट्रा है, मेरे दांत में वो लगा हुआ है। ये मैं अभी ओपन नहीं करूंगी, आप थोड़ा थोड़ा खाओगे तो बॉडी को ज्यादा इफेक्ट नहीं करता। अगर आप कोई भी चीज ज्यादा खाते हो तो बॉडी को इफेक्ट करेगी ही, चाहे आप कुछ भी खाओ, पानी पियो या कुछ अच्छा खाना खाओ या कुछ भी लो, आप ज़्यादा जरूरत से ज़्यादा लोगे तो आपको बॉडी में इफेक्ट होगा ही होगा, ठीक है। तो आप इसको खास करके इस चीज़ का थोड़ा ही लो। और फ्रेंड्स मेरे इतना सपोर्ट करो, मेरा ये फर्स्ट वीडियो है, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, शेयर करो, कमेंट्स करो। आप अच्छा भी कर सकते हो, आप नेगेटिव भी कर सकते हो, आपको जैसा ही वीडियो लगा आप ऐसा कर सकते हो। ये मेरा फर्स्ट वीडियो है, मुझे ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है वीडियो बनाने का, लेकिन मुझे आपको किसी ना किसी रूप में सच बताना ही था, किसी ना किसी जरिए से आपको सच बताना ही था कि इसका खाने के क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है। कैल्शियम वाले ये थोड़ा थोड़ा खा सकते हैं, आपको पता है मुझे कैल्शियम का प्रॉब्लम था, तो मुझे काफ़ी लोगों ने सजेस्ट किया कि आप ये मिट्टी खाने से इसको कैल्शियम का प्रॉब्लम दूर होता है। मुझे खासकर गाँव वालों ने ही कहा था क्योंकि मेरा गाँव गुजरात है, ठीक है, तो मैंने वो नहीं खाया, बट मैंने चूना खाया। चूना तो आपको पता ही होगा जो हम घर में लगाते हैं चूना, वो स्टोन वाले आते हैं जो पत्थर क्रिस्टल स्टाइल, तो मैंने वो मंगवाया और मैं उसका इतना चूना मैं दाल में मिक्स करके खाती थी, और सच में फ्रेंड्स वो चूना मेरा बॉडी को कैल्शियम की कमी दूर करने में हेल्प किया। मैंने इसके बजाय वो खाया। मैंने ये तो कम वीडियो बना रही हूँ, और अब हाँ चूने के ऊपर भी मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगी, और मैं वीडियो बनाती हूँ नई नई चीज़ों को रिव्यू करने के लिए, और मीन्स उसका पूरा डिटेल में बताऊंगी। ऐसा नहीं कि दूसरे जिस वीडियो है उसमें आपको आधा आधा ही इन्फॉर्मेशन मिलता है, क्योंकि मैं खुद भी देखती थी और मुझे ऐसा लगता था कि तू आधा ही बोल रही हो, पूरी जानकारी दो ना, ऐसा लगता था, और मैंने उस लिए वीडियो बनाया। मैं इस बात को बार बार इसलिए रिपीट कर रही हूँ क्योंकि आप सबको ये बात समझ में आ जाए कि मेरा वीडियो बनाने का रीज़न क्या है, ठीक है। और आप चाहते हो कि मैं ऐसे ऑनेस्ट वीडियो जो रियल है, जो मैंने खुद एक्सपीरियंस किए हैं, मैं जानती हूँ हर लोगों की बॉडी अलग होती है, लेकिन ये कॉमन
कॉमन सिम्टम्स रहते होते हैं जो हर किसी को होते ही है। तो मैं ऐसे वीडियोस बनाऊंगी जिससे आपको ऑनेस्ट रिव्यू मिले, चाहे किसी भी चीज़ का भी रिव्यू करूँ पर ऑनेस्ट करूँगी। तो फ्रेंड्स, इसलिए मेरा हेल्प कीजिए, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए कि अगर जिसको भी ये अच्छा लगता है उन्हें ज़रूर शेयर कीजिए। आपके एक शेयर करने से किसी का लाइफ सुधर सकता है और किसी को प्रॉब्लम से मुक्ति मिल सकता है। तो फ्रेंड्स, आप इस वीडियो को शेयर करना, ज़रूर से ज़रूर शेयर करना, ठीक है फ्रेंड्स। थैंक यू, मैं बार बार थैंक यू कर सकती हूँ, करूँगी आपको, क्योंकि आप मेरा वीडियो देख रहे हो। आप देख सकते हो मैंने फ्लिपकार्ट से मंगवाया है। अगर आपको किसी को ये चीज़ मंगवानी है तो मैं नीचे लिंक आपको इस चीज़ की लिंक शेयर कर दूँगी फ्रेंड्स। आप फ्लिपकार्ट में एवर लाइट करके भी सर्च करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा। आप देख सकते हैं मैंने आपको पहले भी बताया था, मैं अभी भी बता रही हूँ कि मैंने ये 900 ग्राम 225 का लिया है और मैंने 28 को ऑर्डर किया था और आज 2 तारीख को ये आ गया है। थोड़ा सा लेट डिलीवरी हुआ बट आ गया है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच, और प्लीज़ अपना ध्यान रखिए, अच्छा खाना खाए, अच्छे रहे, हेल्थ का केयर करें और सबका केयर करें, और ये प्रॉब्लम का समय चल जाए तो ये सबका हेल्प कीजिए, एक दूसरे का हेल्प कीजिए और ख़ुद का भी ख्याल रखिए, ठीक है। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।